क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। गेम ऑफ क्रिकेट में आपको सबसे पहले मिलेंगी क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर। भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। दौरे से पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि विराट की टीम इंग्लैंड में भारत के रिकॉर्ड को बेहतर करने में सफल रहेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विराट कोहली को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर बल्लेबाज फ्लॉप ही साबित हुए, हालांकि गेंदबाज अपनी इज्जत बचाने में कामयाब रहे। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लैंड दौरे पर भारतीय खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड। इंग्लिश टेस्ट में कौन फेल हुआ और कौन पास, किस खिलाड़ी को 10 में से कितने नंबर मिले, यहाँ हम आपको बताते हैं। नंबर मिलने का पैमाना पूरी तरह से खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली की, जिन्हें मिले 10 में से 8 नंबर। सीरीज में भारत के बेस्ट प्लेयर, उन्होंने अकेले दम पर इंग्लैंड के बॉलर से दो दो हाथ किए। अपने सबसे बड़े सिरदर्द जेम्स एंडरसन को एक बार भी अपना विकेट नहीं दिया। इस बल्लेबाज ने सीरीज में 2 सेंचुरी के अलावा 3 हाफ सेंचुरी भी लगाई। 5 मैचों में 593 रन बनाए और 59.30 की औसत के साथ। लोकेश राहुल 10 में से 4 नंबर। सीरीज में सेंचुरी लगाने वाले एकमात्र भारतीय ओपनर रहे राहुल। हालांकि सीरीज के शुरुआती टेस्ट मैचों में एंडरसन और ब्रॉड की स्विंग के खिलाफ जूझते ही रहे। आखिरी टेस्ट मैच में तब सेंचुरी जड़ी जब भारत की जीत की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। राहुल ने 5 मैचों में 299 रन बनाए और उनका औसत रहा 29.90। चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे, बात चेतेश्वर पुजारा की करें तो उन्हें मिले 10 में से 5 नंबर। पुजारा ने इंग्लैंड में जो अपनी पहली सेंचुरी लगाई, वो सीरीज में उनका एकमात्र अहम योगदान अपनी टीम के लिए रहा। पुजारा ने 4 मैचों में 278 रन बनाए और 132 उनका हाई स्कोर रहा, एवरेज 39.71। अजिंक्य रहाणे 10 में से 3.5 नंबर। एशिया के बाहर उन्हें भारत का बेस्ट बैट्समैन कहा जाता रहा है, लेकिन वो इस तमगे के साथ इस बार न्याय नहीं कर पाए। 5 मैचों में सिर्फ 257 रन बना पाए 81 हाईस्ट रन के साथ 25.70 का सामान्य औसत। मुरली विजय और दिनेश कार्तिक, मुरली विजय 10 में से सिर्फ आधा नंबर। 2014 के इंग्लैंड दौरे का हीरो मौजूदा दौरे का जीरो बैट्समैन साबित हुआ। एंडरसन, ब्रॉड और कुरान की स्विंग बॉलिंग अबूझ पहेली बनी रही मुरली विजय के लिए। 2 मैच के लिए सिर्फ 26 रन बनाए और 20 रन हाई स्कोर था, एवरेज सिर्फ 6.5 का। दिनेश कार्तिक, उन्हें भी सिर्फ 10 में से आधा नंबर। खुद को टेस्ट में मजबूती से स्थापित करने का मौका गंवाया, रन भी नहीं बने और विकेट कीपिंग में तो कोई कमाल दिखाई नहीं पाए। दिनेश कार्तिक ने भी 2 मैच खेले और 21 रन बना पाए, हाई स्कोर इनका भी 20 था और एवरेज 5.25 का। हार्दिक पांड्या और शिखर धवन, हार्दिक पांड्या 10 में से 5 नंबर। तीसरे टेस्ट में बैट और बॉल दोनों से चमके, लेकिन बाकी सीरीज में उनका योगदान ना के बराबर रहा। स्पिनर्स के खिलाफ दबकर खेले, जो बेहद चौंकाने वाला रहा। हार्दिक पांड्या ने 4 मैच खेले 164 रन बनाए। इसके अलावा हार्दिक पांड्या ने 10 विकेट भी लिए और 5 विकेट 28 रन पर उनकी बेस्ट बॉलिंग रही। शिखर धवन 10 में से सिर्फ 2 नंबर। उम्दा स्विंग बॉलिंग के आगे धवन की बैटिंग तकनीक की खामियां फिर से उजागर हुई। 150 तक नहीं बना पाए सीरीज में। 4 मैच खेले 162 रन बनाए, हाई स्कोर 44 रन, औसत सिर्फ 20.25 का। ईशांत शर्मा और हनुमा विहारी, हनुमा विहारी को 10 में से 6 नंबर। करियर की पहली ही टेस्ट पारी में 50 जड़ प्रभावी शुरुआत की, हालांकि अगली पारी में खाता भी नहीं खोल पाए। बॉलिंग में प्रभावी प्रदर्शन किया, भविष्य इनका उज्जवल दिखता है। 1 मैच खेला, 56 रन बनाए, 150 लगाई, 3 विकेट भी लिए। ईशांत शर्मा 10 में से 7 नंबर। ईशांत शर्मा सबसे खतरनाक बॉलर रहे भारत के लिए। किफायती बॉलिंग की, विकेट उम्मीद से कम मिले, लेकिन लाइन लेंथ से बिल्कुल नहीं भटके। इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी ईशांत शर्मा से खासी परेशान रही। 5 मैचों में ईशांत ने 18 विकेट झटके और 151 ओवर डाले। आर अश्विन और रविंद्र जडेजा, आर अश्विन को 10 में से 6 नंबर। आर अश्विन ने बॉल को अच्छी फ्लाइट किया, जिससे उन्हें पिच से मदद भी मिली, बैट से भी कुछ उपयोगी पारियां खेली। हालांकि
चोट से उनके प्रदर्शन पर थोड़ा सा असर पड़ा। चार मैच खेले, 126 रन बनाए और 11 विकेट भी लिए। रविंद्र जडेजा 10 में से 7 नंबर। सिर्फ एक मैच में जडेजा को मौका मिला और उसमें अपनी अहमियत बताई। पहली पारी में 86 रन बनाए, चतुराई भरी बॉलिंग करके विकेट भी झटके। एक मैच खेला, 99 रन बनाए और रविंद्र जडेजा ने उस मैच में 7 विकेट भी झटके। मोहम्मद शमी 10 में से 8 नंबर। सीरीज में भारत के बेस्ट बॉलर रहे, अनगिनत बार बैट्समैन को अपनी स्विंग और स्पीड से छकाया। विकेट कम मिले लेकिन कई बार अच्छे स्पेल डाले। 5 मैचों में शमी को 16 विकेट मिले, ओवर डाले 172। जसप्रीत बुमराह, इन्हें भी 10 में से 8 नंबर। जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग एक्शन को पढ़ने में इंग्लिश बल्लेबाजों के पसीने छूट गए। सीरीज की एकमात्र जीत भारत को बुमराह की स्विंग और स्पीड के बूते ही मिली। बुमराह ने 3 मैच खेले और 14 विकेट लिए। बेस्ट बॉलिंग 5 विकेट रहे और ओवर उन्होंने डाले 133। अब बात करते हैं ऋषभ पंत की, तो उन्हें 10 में से सिर्फ 3.5 नंबर। ऋषभ पंत ने 3 मैच खेले, 162 रन बनाए, हाई स्कोर उनका 114 रन रहा। दिल्ली के युवा बल्लेबाज ने टेस्ट में डेब्यू किया। डेब्यू पारी में उन्होंने अपनी निडर बल्लेबाजी भी की। सीरीज के अंतिम टेस्ट की चौथी पारी में सेंचुरी जड़ने का कारनामा भी किया। हालांकि विकेट कीपिंग के मामले में वो थोड़े से ढीले दिखे, उनकी तकनीक की भी आलोचना हुई। तो ऐसा रहा इंग्लैंड में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन, उनको कितने नंबर मिले आपने देखे। आप अपनी तरफ से किस खिलाड़ी को कितना नंबर देंगे, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।